नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी खट्टे मीठे और तीखे बच्चों का आज के क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अष्टम वर्ग का गणित एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लें आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, यदि हम 1 से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर देखें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व की संख्या से बड़ा है, तो इस क्रम को हम लोग बोलेंगे कि यह क्रम एसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे हम लोगों को कैसे सजाना है, कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम लोग छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक फ्रैक्शन का हर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 5, 7, 2, 3 का लसा, दैट मीन्स एलसीएम कितना होगा, 5, 7, 2, 3 इसका लसा क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 5, 7, 2 और 3 ये सारा संख्या प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। और जब सारा संख्या प्राइम नंबर हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। जब हम गुना कर देंगे तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, इसके बाद 21 और 10 को गुना कर देंगे 21 दहे के 210। इस तरीका से तुम लोग भी गुना करोगे तो आसानी हो। अब हम लोग पहला फ्रैक्शन लेंगे 4/5, अब देखो यह जो फ्रैक्शन है 4/5, ये जो हर है 5 से इसको हम भाग देंगे। ठीक है, 5 से कितने बार में कटता है 210, 5 से कितने बार में कटेगा 5 चौके 20, 5 दूना 10, 42 टाइम्स में कटेगा। और एक शॉर्टकट टेक्निक है, यहाँ पर हमने 5, 7, 2 और 3 का एलसीएम निकाला है और हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 से 210 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इस 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बार में 210 कटेगा, तो ये 5 के अलावा जो नंबर है 7, 2, 3 ये तीनों को गुना कर दो, 7 दूना 14, 14 तिया 42, यह 42 बार में कटेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स, 42 बार में कट रहा है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 42 से इसको गुना करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। 42 को 4 से गुना करने पर कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, और 42 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210। सेम प्रोसेस हम लोग इसके लिए -2/7 गुना। अब हमें डिवाइड करना है 210 को 7 से, 210 एलसीएम किसका किसका है, 5, 7, 2 और
थ्री का, तो इस सेवन से हम डिवाइड कर रहे हैं 210 को, तो जानते हो कितने बार में डिवाइड होगा? सेवन के अलावा कौन कौन सा अंक बच रहा है? 5, 2 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, तो 30 बार में वो डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, 30 से अंश और हर को गुना करेंगे। 30 से जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30 × 2 = 60 बटा यहाँ 7 × 2 = 210। हम लोगों का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है उसका हर हम बराबर कर दें। जैसे देखो यहाँ पर दो फ्रैक्शन का हर, यहाँ 210, यहाँ भी 210 आ गया। यही काम इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए -1/2 के लिए। दो से 210 को डिवाइड करना है तो कितने बार में डिवाइड होगा? इस बार 5, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 75 से, 15 × 7 = 75 से 105, 105 बार में पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंश और हर को 105 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जब 105 से 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, और यहाँ नीचे 210। अब एक फ्रैक्शन कौन बच रहा है, -1/3। -1/3 के लिए क्या करना होगा? अब 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? 3 × 7 = 21, सीधा सीधी है। 70 बार में, कितने बार में? 70 बार में 70 से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -70/210। यहाँ हम देख रहे हैं सभी भिन्न का हर 210 आ गया, 210 यहाँ भी। जब सब भिन्न का हर बराबर हो गया, अब हम लोग अंश पर अपना ध्यान फोकस करेंगे और देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। यहाँ है 168, यहाँ -60, -105, -70। तो यहाँ सबसे छोटा कौन होगा, -105 सबसे छोटा होगा। तो हम लोगों को जब एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे छोटा है, तो -105/210। और इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि अब जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे वह इस फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो -105 से बड़ा कौन होगा, -70। और इससे बड़ा कौन होगा, -60/210। और इससे बड़ा 168/210। इसके बाद एक स्टेप और बढ़ाना होगा, -105/210 किसका वैल्यू है, ये -1/2 का, यहाँ लिखना होगा -1/2। -70/210 किसका वैल्यू है, -70/210 का वैल्यू है -1/3, और -60/210 -2/7, और इससे बड़ा होगा 4/5, यह धनात्मक संख्या भी है। ऐसे भी देख लो 4/5 क्या धनात्मक संख्या है। यदि मान लो तुम लोगों को चेक करने के लिए कि तुम लोग कितना जानते हो, यदि कोई पूछ दे
कि चारों भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, तो क्या बतलाओगे? चार बटे पाँच। क्यों? क्योंकि तीन फ्रैक्शन जो दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तुरंत बतला देना कि चार बटा पाँच चारों फ्रैक्शन में बड़ा है। तो इस तरीका से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, और तुम लोगों को भी सजाना है इसी तरीका से। जब एग्ज़ाम में आएगा तो तुम लोग इसी तरीका से बनाओगे। किताब में आंसर जो लिखा हुआ है उसमें यहाँ पर कॉमा का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग इस चिन्ह का ही प्रयोग करना। इस चिन्ह से साफ स्पष्ट पता चलता है कि इस फ्रैक्शन से ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किसका किसका एलसीएम निकालेंगे? सिक्स थ्री और थ्री, और इसका इसके नीचे वन है, तीन के नीचे वन है, चूंकि सिक्स थ्री तथा थ्री का लसा कितना होगा? पहला फ्रैक्शन है तीन बटा एक। क्या हम लोग करते हैं, इसका हर कितना है इस फ्रैक्शन का? वन। वन से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? छः बार में। तो छः से हम लोग अंश और हर में गुना करेंगे, छतिया छः कम छः। हम लोगों का मेन मकसद क्या है, सभी भिन्न का हर कितना आ जाए? सिक्स आ जाए। सभी भिन्न का हर सिक्स लाना है, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन क्या है? एलेवन बाई सिक्स। इसमें वन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तीसरा फ्रैक्शन क्या है? एट बाई इसके बाद क्या है? वन बाई थ्री। यहाँ गुना कितना से करना होगा? दो से। दो एकम दो, दो तिया छः, ठीक है। अब इसे हम लोगों क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? यहाँ देखो 18, 16, 2 और 11 है, तो सबसे बड़ा 18 बटा 6, 18 से छोटा 16 बटा 6, 11 बटा 6, 2 बटा। इस बार हम लोग चिन्ह का प्रयोग इस तरीका से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बड़ा फ्रैक्शन लिख रहे हैं, उसके बाद उसे छोटा, उसके बाद उसके छोटा, ठीक है। तो ये चिन्ह क्या बतलाता है, जिधर मुंह ऐसे बड़ा है खुला हुआ है उधर वाला फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है और ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है। 18 बटा 6 किसका वैल्यू है? 3/1 का। और 16/6 8/3 और 11/6 और 2/6 3। अब हम आशा करते हैं कि तुम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हो और सीख भी गए हो। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। 2/3 -3/7 5/21 13/
42। जब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ तो उसे आप ध्यान से सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। समझ गया? हम इसलिए पहले बतलाना चाह रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे ढंग से सीख लो और समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, ताकि तुम लोग एक बार में बहुत अच्छे ढंग से एकदम धड़ल्ले से बनाओ, बेझिझक, बिना रोक टोक का, है ना? तो जो हम बतलाते हैं उस स्टेप पर ध्यान देना है। मैथमेटिक्स में स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, समझ गया ना? सबसे पहला स्टेप्स क्या है? 3, 7, 21 तथा 42 का लसा बराबर कितना होगा? 42। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यह जो पहला फ्रैक्शन है, सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शन को लिखना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? इस फ्रैक्शन को लिखना होगा 2/3। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि 2/3 गुना ऊपर नीचे कर दें, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को इस तरीके से लिखेंगे, इसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, इसके बाद पुनः 2/3 गुना। अब यहाँ देखें, यहाँ हर कितना है? 3। 3 से इसको भाग देंगे, 3 से कितने बार में कटेगा, डिवाइड होगा? 14 बार में। तो 14 से हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 14 दुना 14 3 सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? -3/7। यहाँ लिखे, इसके बाद बराबर का चिन्ह देना है, फिर एक लाइन खींचो और फिर से एक बार 3 -3/7 लिख लो। इसके बाद इस फ्रैक्शन का हर क्या है? 7। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 × 42। कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 6 बार में। तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42, ठीक है? इसके बाद शांति, सबसे पहले शांति बनाए रखो। इसके बाद तीसरा फ्रैक्शन क्या है? 5/21। पहले 5/21 लिख लो, फिर बराबर का चिन्ह दो, पुनः 5/21 लिखो, गुना का चिन्ह दो, इसके बाद ये जो हर है 21, 21 से इसको भागा देना है, डिवाइड करना है, 21 × 42। 2 बार में पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है ना? तो यहाँ 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, 5 × 21 × 42। लास्ट फ्रैक्शन क्या है? 13/42। से ये 42 कितने बार में डिवाइड होगा? एक बार में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 42। ठीक है? इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है? जो भी फ्रैक्शन दिए हुए थे, सभी फ्रैक्शन का हम लोग हर बराबर कर दिए, सबका हर कितना हो गया? 42 बराबर हो गया। इसलिए अब हम लोग हर पर ध्यान नहीं देंगे, केवल अंश वाली संख्या पर ध्यान देंगे कि उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा कौन है? 28। तो 28/42। इससे छोटा कौन है? 10/42। ये 13/42। इससे छोटा? 10/42। और इससे छोटा? -18/42। अब 28/42 किसका वैल्यू है? 2/3 का।
तेरह बटा बयालीस की सब वैल्यू है, दस बटा बयालीस की सब वैल्यू है, पाँच बटा इक्कीस और माइनस अट्ठारह बटा बयालीस किसका वैल्यू है, थ्री बाई सेवन। इस प्रकार यह जो क्वेश्चन था उसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत अच्छे ढंग से सजा दिए। आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को आज के क्लास में शामिल होने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।